कथा और वियान की प्रेम कहानी शुरू, मगर इसमें विलेन का रोल प्ले करेगा आरव, मगर कैसे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो एक बड़ा ही प्यारा गाना याद आ रहा है कथा के इस सीन को देखने के बाद, जिसमें कथा और वियान अपने अपने मन की बात कहते हैं। तो गाना कुछ ऐसे है, एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। ऐसा ही था ना सीन, ये वाला मजेदार था। ये प्रेम कहानी तो दोस्तों चल निकली है, कथा ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है वियान के सामने, मगर ये रास अब आरव के सामने भी आ गया है। आरव ने देख लिया है कि उसका जो रॉबिन है वो तो मिस्टर रघुवंशी ही है, जिसको मेरी मम्मी पहले से पसंद करती है। अब आरव इस बात को किस तरह से लेता है, क्योंकि मिस्टर रघुवंशी यानी कि वियान को समझाना तो कथा के लिए आसान होगा, मगर क्या आरव को समझाना भी आसान होगा, या फिर आरव खुली बाहों से दोनों का स्वागत करेगा? मगर ऐसा होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आरव जो है एक ऐसे बच्चे की भूमिका निभाएगा जो बच्चा इसके अगेंस्ट होगा। तो ये अगेंस्ट क्यों होगा, कौन होगा इस आरव के पीछे, जो आरव अपने मम्मी और अपने जो रॉबिन है उनके बीच में जो बनने वाली है कहानी उसके बीच में आ जाएगा, कौन करेगा उसको इस ये सब करने के लिए मजबूर? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आरव के सामने ये राज आ गया कि मम्मी और रॉबिन एक ही ऑफिस में है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आरव इसको जब तक सोच में लाएगा, इसको समझेगा, क्योंकि बच्चा है उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि ये इक्वेशन बच्चों की जिंदगी में कम ही आती है। इधर जो मिस्टर रघुवंशी वियान है वो खुश है कि अरे आरव ही तो निकला मेरा बैटमैन, तो ये एक अलग खुशी है। मगर दूसरी तरफ तेजी, जिसकी सारी खुशियां जो है ध्वस्त हो गई हैं, पेरिस नहीं जाना, टिकट फाड़ देना, वापस आना, क्योंकि पेरिस नहीं जाना या जाना ये तो वियान के दिमाग में आया ही नहीं जब उसको कथा की ये बात समझ में आ गई कि कथा मुझसे क्या कहना चाहती थी। वियान के लिए तो ये सबसे बड़ी मूवमेंट है पेरिस का, वो कहीं भी जाना छोड़ सकता है, और उसके दिमाग में भी नहीं आया कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, और कथा के दिमाग में भी नहीं आया, आना चाहिए था, कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ रहना चाहिए था, मगर नहीं आया, मान सकते हैं क्योंकि ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। मगर दोस्तों तेजी अब रुकेगी नहीं, तेजी ने ये देख लिया कि मेरे कहने से तो मेरा बेटा मानने वाला नहीं है, मगर कथा को अगर मैं टॉर्चर करूंगी, कथा के बेटे को कथा के खिलाफ खड़ा करूंगी तो बात बनेगी, और वो कैसे होगा आप सब जानते हैं। तेजी मिस्टर गरेवाल को पहले से ही भड़काती आ रही है, और मिस्टर गरेवाल का पोता है आरव, और जब तेजी ये बातें उसके दिमाग में डालेगी, मिस्टर गरेवाल के दिमाग में, कि तुम्हारे पोते का क्या होगा, और अगर तेजी डायरेक्ट भी आरव को मिलती है तो उसके दिमाग में यही डालेगी कि ये आज के दिन के लिए अच्छा लग रहा है, मगर आगे क्या होगा, सॉर्ट ऑफ यानी कि आगे क्या सीन होंगे वो मैं नहीं बता रही आपको, मगर कहानी कुछ इस तरफ जा सकती है, क्योंकि कथा तभी मजबूर होगी जब आरव इस रिश्ते के अगेंस्ट होगा, क्योंकि बाकी किसी की वो बात इतनी नहीं सीरियसली लेगी, क्योंकि कथा अपने डिसीजन शुरू से लेती आई है, और यहां पे क्या रोल रहेगा वियान का वो भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की शादी नहीं होगी काफी टाइम तक, जब तक आरव नहीं मानेगा, और आरव तब तक नहीं मानेगा जब तक ये लोग उस पर प्रेशर डालते रहेंगे। तो ये सारी कहानी अब आरव के इर्द गिर्द घूमेगी, और आरव को भड़काने वाले होंगे मिस्टर गरेवाल और तेजी, खास करके तेजी, क्योंकि ऐसी पोजेसिव मदर्स जो होती हैं जिनको लगता है कि मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात सुने, वो मदर्स अपने बच्चे के लिए हमेशा नुकसान ही करती है, जो तेजी करती आई है, बचपन बिगाड़ दिया, अब वियान की प्रेम कहानी भी बिगाड़ेगी, उसका प्यार भी बिगाड़ेगी, और अपने आप को फिर महान माँ भी कहलाने की बात करेगी, तो तेजी तो महान माँ क्या, माँ भी कहलाने के लायक नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब आगे होने वाला है,
प्रेम कहानी तो शुरू हुई है मगर साथ में ट्रेजेडी भी शुरू होने वाली है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.